कल तक चैनल से हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, प्लीज आप लोग अपना चेहरा दिखाइए हमारी जनता को। भैया आप जनता को पता चलना चाहिए कि आप लोग हीरो हैं। ये बच्चा मजदूरी क्यों कर रहे? ए ज्यादा बोले मत बनिए माय डियर जीजा जी, मैंने टीवी पे देख लिया है, मुझे सब पता है। क्या पता है? अरे अपने बेटे से ही मजदूरी करवाते हुए आपको शर्म नहीं है? अरे भाई हमको भी अभी पता चला, जब टीवी पे देखा तभी, अभी हम सब मिलकर वहीं जा रहे हैं, तो फोन रखना भाई, बाद में बात करते, बोला ना। काश बच गए। अच्छा हुआ सब लोग चले गए और कोई मीडिया वाला भी नहीं है यहाँ पर। एक मिनट फ्रेंड्स, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्या है, क्या जल्दी बता। देखो प्रेस वाले, मीडिया वाले, भाटिया अंकल, मंत्री अंकल और वो रंगा सब यहीं पे, और यही सही मौका है हमारे मिशन हथौड़ा के लिए। मंत्री अंकल और वो भाटिया अंकल को पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ पे मजदूरों पे क्या जुर्म हो रहे हैं। हाँ गोली सही कह रहा है तू, चलो चल के मिलते हैं, चलो। अगर हम वहाँ गए और रीटा दीदी और पोपट अंकल ने पहचान लिया तो? पिंकू अब जो भी होगा देखा जाएगा, मजदूरों को हक दिलाने के लिए हमें इतना रिश्तो लेना होगा ना। यही सही मौका है, इस मौके पे चौका तो मारना ही चाहिए। ओए गोली, मैं तो कहता हूँ सीधा छक्का ही मार देता है। अच्छा सुनिए, एक मिनट यहाँ पर आइए, आइए ना, अभी आइए, अभी आइए, यहाँ पर है, एक मिनट यहाँ पर आइए सब लोग। देखिए अभी हम मंत्री अंकल से और भाटिया अंकल से आपकी परेशानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग हमारे साथ चलोगे ना? देखिए अगर आज आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो जिंदगी भर आपके साथ ऐसा ही अन्याय होता रहेगा। तो बोलिए आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे? बताइए उठाओगे आवाज? बोलो। आप सब चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। देखिए बात की शुरुआत भी हम ही करेंगे, तो आप सभी लोग हमारा साथ दोगे ना? हाँ हाँ। तो फिर चलो चलते हैं मंत्री जी और भाटिया जी के पास। चलिए टप्पू, टप्पू बोले पिंको गोगी गोली। अरे वो रे गोगी पुत्र। अरे बाप रे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ पर। टप्पू से ना ये सब किया? ये देखिए चाची जी, क्या है टप्पू ये सब क्या है? तुम लोग मजदूरी क्यों कर रहे हो? बोल टपूड़ा ये सब क्या हो रहा है? सुबह से तू मुझसे ये कह कर गया ना कि मैं मैदान में खेलने जा रहा हूँ, तूने अपने दादाजी से झूठ बोला। नहीं दादाजी वो बात है। बोला था ना मैंने तुझे, बोला था ना बापूजी को तुझ पे बहुत भरोसा है, कोई भी ऐसा काम मत करना कि बापूजी का भरोसा टूट जाए। नहीं नहीं दादाजी, पापा मैंने आपका कोई भरोसा नहीं तोड़ा। हाँ हम लोग ने जो किया वो अच्छे काम के लिए किया है। हाँ अच्छा तुमने ये जो झूठ बोला ये अच्छा काम किया, पर तुम लोगों ने हम लोगों को कुछ बताया क्यों नहीं? अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ करना था तो हमें बताना चाहिए था ना। मुझे पता ही था टप्पू सेना वेकेशन में कोई ना कोई कारनामा करने ही वाली है। टप्पू सेना तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया ये। अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है, ना तो इनको आशीर्वाद देता ना ये लोग ये सब करते। अरे ये गड़ा की गाड़ी तो अभी आशीर्वाद पे अटकी हुई है चाचा जी। जितिया शांति रखना भाई। गोगी बता एत्या। वो बोला ना एत्या, मेरे को सच सच बताया तुम लोगों को ये सब करने के लिए किसने बोला? उन्होंने तो छोटा वाली। अरे बोलो, अरे बोल टप्पू बोल, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तू? मुझे तो लगता था कि मेरा टप्पू कभी झूठ बोलता ही नहीं, लेकिन लेकिन आज तूने मुझे गलत साबित कर दिया। दादाजी हमने जो कुछ भी किया है वो अच्छे के लिए किया है, हम आपको बाद में सब कुछ बताएंगे। बाद में मतलब? ओए बच्चों तुम लोग ऐसे बताओगे नहीं,
ओए कौन है जिसने हमारे बच्चों को ये काम करने के लिए मजबूर किया? कौन है इधर का मालिक? कौन है यहाँ का मुकदम? सामने आओ। हाँ सामने आओ। कौन है? अरे बोल। करवा रहे बच्चों से। कौन है? अरे बाबूजी संभाले। इधर खड़ी सर। रंगा भाई को बताना पड़ेगा। अरे ऐसा दम है कोई मुकदमा धला करे तू? यही नहीं, हमारी सरकार की और भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिससे आम आदमी को बहुत फायदा होगा। ओए कौन है यहाँ का मुकदम? सामने आओ। ओए कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या तुम ऐसा लगा काम करो? जाके काम करो जल्दी। काम करो काम करो फटाफट। चलो हटो यहाँ से। हटो चलो। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बोल क्या करेगा तू? ये क्या लगा रखा है? हटो। हमें ये पूछने वाले तुम कौन हो? मैं रंगा हूँ। कौन से रंग से? अरे मेरा नाम रंगा है और तुम लोगों ने ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? हमारे बच्चों को मजदूर बना के मजदूरी करवा रहा है और पूछता है क्या हुआ? कौन से बच्चे? अरे कौन से क्या ये? बच्चों आगे आओ भाई, आगे आओ इधर। आगे आओ बच्चों। ये बच्चे हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो। ये तो वही बच्चे जिन्हें साइड पे आने से मना किया था, ये यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर समाज सेवा करनी है कहीं और जाके करो। भागो निकलो। तुम हमारे बच्चों को डांटते हो। देखिए जब ये रोड बन जाएगी ना तो आने जाने वाले लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड पर चल रहा हूँ, सारा काम रुक गया। सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखिए, मैं बस अभी आ रहा हूँ। सर बटे जब कहाँ जा रहे हैं? सर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है वर्कर्स से रिलेटेड, मैं बस दो मिनट में आ रहा हूँ। भाटिया जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। क्या हुआ भाटिया साहब, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहीं रहिएगा, यहीं रहिएगा। हाँ चाय नाश्ता कीजिए ना, हम लोग बस अभी आते हैं। प्लीज एक्सक्यूज अस इंस्पेक्टर साहब। क्या हो रहा है रंगा? ये सब क्या हो रहा है? ये उन्होंने यहाँ रुकने को बोला है, मतलब पक्का कोई प्रॉब्लम है। आपको कैसे पता? सालों का अनुभव है। आप यहाँ बैठे, यहाँ आपको चाय नाश्ता मिलेगा, वहाँ हमें स्टोरी मिलेगी। चलो 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 भाई चलो। भाटिया जी ये सब क्या हो रहा है? सर मुझे भी कुछ नहीं पता। रंगा क्या है ये सब? सेठ जी मुझे नहीं पता ये टपोरी बच्चे कौन है और कहां से आ गए हैं, और ऊपर से ये लोग भी खामखा बहस कर रहे हैं। सेठ जी मिनिस्टर साहब आए ना, मुझे लगता है हमें नीचा दिखाने के लिए दुश्मनों की ये कोई चाल है। अरे जेठालाल तोड़ी आप सब लोग यहाँ पर? ये कौन है ये सब, आप इन्हें जानते हैं? बिल्कुल। हाँ ये तो हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में ही रहते हैं, हम सब साथ ही रहते हैं। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए? ये टप्पू सेना की वजह से। टप्पू गोली गोगी पिंकू आप सब लोग यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रहे हो? ओ अच्छा, तो वो मजदूर जो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे थे कैमरा में वो तुम ही लोग थे, असली मजदूर नहीं थे? हाँ 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 इसीलिए शक्ल छिपा रहे थे ताकि हमको पता ना चले कि टप्पू सेना है। ये सब क्या हो रहा है भाटिया, मुझे भी तो बताओ। जी ये हमारे बच्चे हैं, पता नहीं कोई यहाँ पे इनको मजदूर बना के मजदूरी करा रहा है। जी पापा हमें किसी ने जबरदस्ती मजदूर नहीं बनाया, हम अपनी मर्जी से मजदूर बने। हाँ सर हमने जो कुछ भी किया है वो सब इन मजदूरों के लिए किया है हमने। क्यों
मजदूरों के लिए? मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। आप लोग सोच क्या रहे हैं? अरे बोलिए, मैं हूं ना आपके साथ, जो भी कहना है खुल के कहिए, बोलिए बात क्या है। हाँ सर, मैं आपको सब बताता हूँ। कल जब हम सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहे थे, तब हमें वहां पर ये मलैया दिखा। मलैया? अरे मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो मलैया है। कल इसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इनका इलाज किया था। आप कैसे हैं आप? अभी ठीक है जी। ठीक है? हाँ आती अंकल। और जैसे आप गए ना, तो हुआ यूं कि वो पूरा पैसा नहीं देता। मैनेजर रंगा बदमाश आदमी। हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो। ए! ये समाज सेवा जाके कहीं और दिखाओ। यहाँ रंगा का राज चलता है, सिर्फ रंगा का राज। मलैया, तेरे मम्मी पापा और बाकी सभी मजदूरों को हम उनका हक दिलवा के रहेंगे, ये हमारा वादा है तुझसे। इसीलिए हम यहाँ पर मजदूर बन के आए थे। हाँ हाँ। हम मजदूर बनकर मलैया और सभी मजदूरों की हेल्प करना चाहते थे, और हमने मलैया को प्रॉमिस किया था कि हम सभी मजदूरों का उनका हक वापस दिलाएंगे, और इसीलिए हमने ये मिशन हथौड़ा प्लान किया। हाँ। क्योंकि रंगा जी और उनके आदमी मजदूरों को रोज के 300 रुपए की जगह सिर्फ 150 रुपए दे रहे थे, जो मजदूरों के साथ सरासर अन्याय हो रहा था। हाँ। और दादा जी ने कहा था कि अन्याय करने वाला जितना ही गुनहगार, अन्याय सहने वाला भी होता है। बिल्कुल। हाँ। इसलिए हम मलैया और बाकी सब मजदूरों की हेल्प करने यहाँ आए। हाँ। रंगा अंकल को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हम रंगा अंकल को कुछ करते तो वो बेचारे मजदूरों को काम से निकाल देते। बुड़बक। इसलिए हम रंगा अंकल को कुछ नहीं कर सकते थे, और रंगा अंकल हमसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें मजबूरी में मजदूर बनके यहाँ की हेल्प करने आना पड़ा। रंगा, ये सब क्या है? तुम मजदूरों को कम मजदूरी दे रहे थे। सेठ जी, मैं क्या करूं? मुझे लगा कि अगर मैं मुनाफा बढ़ा दूंगा तो आप मेरी पगार बढ़ा देंगे। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मुझसे ये गलती हो गई, और सेठ जी, मुझसे ये जो गलती हुई है, इसकी हाथ जोड़ के अब सबसे, इन बच्चों से और इन मजदूरों से सबसे माफी मांगता हूं। रंगा, गलती सिर्फ तुमसे नहीं, मुझसे भी हो गई है, तुम जैसे लोग पर विश्वास करके। ज्यादा पैसे कमाने में ये मैं भूल गया यहां देखना कि मजदूरों पे क्या गुजर रही है। जाने अनजाने में बहुत बड़ा अन्याय हो गया। आप लोग का गुनहगार हूं मैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। भाटिया जी तो अच्छे आदमी है। गलती हम जैसे नेताओं से भी हुई है, हमें यह ख्याल रखना चाहिए था कि मजदूरों को उनका हक ठीक से मिल रहा है कि नहीं। वाह। मजदूरों के बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाई मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल। मजदूरों पर अत्याचार ना हो, इसके लिए हमारी सरकार को भी कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। मैं भी आप लोगों का गुनहगार हूं, क्योंकि आप लोग ही तो मुझ जैसे नेताओं को चुनते हैं। आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जी। हाँ, हमारे भारत देश में एक नेता ऐसा बोल रहा है। बच्चों, आज के जमाने में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, ऐसे में आप लोगों ने मजदूरों के बारे में सोचा। आप लोग सचमुच तारीफ के काबिल हैं। आप बच्चों ने तो हम जैसे नेताओं की आंखें खोल दी हैं।
नहीं सर, इस बात के लिए सच में अगर कोई तारीफ का हकदार है तो वही है मलैया। जिसकी वजह से हमें एक मकसद मिला, वरना हम हमारा पूरा वेकेशन यूं खेलने में बिता देते। हाँ। और मलैया ने ही सबसे पहले मजदूरों के लिए हमारे क्या आवाज उठाई, जिसकी वजह से हमें एक नेक काम करने की प्रेरणा मिली। इसलिए सही मायनों में मजदूरों के हक के लिए सबसे पहली आवाज मलैया ने उठाई थी। हाँ। और इन मजदूरों को हक दिलाने के लिए हमने हमारे घर वालों से झूठ बोला, उनका भरोसा तोड़ा। इसके लिए मैं अपने दादाजी और पापा से माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, उल्टा मैं तुझसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुझ पे शक किया। और बेटा तूने सच कहा था, आज तुम लोगों का ये कारनामा देख के हम सबको बहुत गर्व हो रहा है बेटा। बहुत गर्व हो रहा है बाबूजी। हाँ हाँ, सच में बच्चों, हम सबको तुम पे गर्व हो रहा है। रहे, रहे। और हाँ, जीवन में अच्छे काम हमेशा करते रहना, लेकिन झूठ बोलकर नहीं। बाबूजी आज टप्पू सेना ने समाज में हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम ऊंचा किया है। सही बात है। थैंक यू बच्चों, वाकई में आज तुम सब ने हमें और पूरे समाज को एक संदेशा दिया है कि पूरे समाज को श्रमजीवियों के प्रति आंखें खोलने की जरूरत है। यस, क्योंकि श्रम है तो हम है। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या बात है सर, क्या बात। जिस देश में बौद्धिक, श्रमिक, सैनिक इन तीनों की इज्जत होती है वो देश हमेशा आगे बढ़ता है। यस। और साथ साथ में जिस देश में सभी वर्ग के लोग सुखी हो वो देश हमेशा विकास करता है। सही बात है। आज के बाद आप में से किसी मजदूर की भी मजदूरी कटे या उस पर किसी तरह का अत्याचार हो रहा हो तो आप में से कोई भी मुझे हेल्पलाइन पे फोन कर सकता है। आज के बाद किसी भी मजदूर पर अन्याय नहीं होगा, यह मेरा वादा रहा। टप्पू सेना, तुम सबको आज के बाद हमारे लिए ये काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं मलैया। टप्पू सेना, सच कहूं तो आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम लोगों का शिक्षक हूं। टप्पू सेना, आज आप लोगों ने जो काम किया है इससे समाज को एक नया संदेशा मिला है। यस बाबा। थैंक यू, थैंक यू। मैं आप लोगों के इस जबरदस्त कारनामे के बारे में मैं तूफान एक्सप्रेस में एक बहुत बड़े आर्टिकल लिखूंगा। और मैं भी टप्पू सेना अपने चैनल के लिए एक स्पेशल स्टोरी कवर करूंगी तुम लोगों पर। सुनिए सुनिए, अंत में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस रोड के बनने के बाद मैं इस रोड का नाम श्रमिक पथ घोषित करूंगा। हम सब की आंखें खोलने के लिए मैं टप्पू सेना को बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ। थैंक यू। चलो, आखिर में माल्या का विजय हो गया। ओए पिडू, माल्या नहीं मलैया। ओह सॉरी सॉरी, मलैया 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 मलैया। भी बनाए और इसके पीछे इस बात का सबसे बड़ा कारण है गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाली टप्पू सेना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट रोज खिड़कियों से। हरे हरे।
प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं, जो कोशिश करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। टपू सेना ने कोशिश की तो उन्हें सफलता मिली। अचारी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम उन्होंने रोशन किया है। उन्होंने मजदूरों को उनका हक दिलाया, उनकी आंख से आंसू पहुंचे, सारे समाज को मेहनत और परिश्रम की गरिमा समझाई है टपू सेना ने। आज सचमुच टपू सेना के माता पिता का सर गर्व से ऊंचा है। टपू सेना ने इस देश के मालिकों, इस देश के नेताओं, इस देश के नागरिकों को मेहनत कश लोगों की परिस्थितियों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। काश देश का हर बच्चा, देश का हर व्यक्ति टपू सेना की तरह सोचने लग जाए तो ये देश इस पूरी दुनिया में सबसे विकसित देश होगा। आइए आज हम मिलकर एक प्रण लें कि हम मेहनत कश लोगों को, हम मजदूरों को उनका पूर्ण सम्मान दिलाएंगे, उनका सम्मान करेंगे और इस देश के नव निर्माण में अपना योगदान देंगे। यहाँ से हंसाते किस तरह से हम आपका मनोरंजन करेंगे ये देखेंगे आप, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलिए पप्पू जी, दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। यो 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 य